जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए घाटियों से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र में अब तक जितने भी सवाल घाटियों से रिलेटेड दिए गए हैं विभिन्न स्टेट पी सी एस तथा में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तो चलिए दोस्तों आज के के फर्स्ट क्वेश्चन साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे हम लोग डेथ वैली के भी नाम से जानते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है तो याद रखना है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है दोस्तों वह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी एक रिफ्ट घाटी का क्या है दोस्तों उदाहरण है नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी डेथ वैली स्थित है तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों दोस्तों डेथ वैली कहाँ पर स्थित है तो यह है जो जो है दोस्तों यूएसए में स्थित है यूएसए में भी कहाँ पर दोस्तों तो कैलिफोर्निया में स्थित है याद रखना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका तो ऑप्शन ए तो सैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है यह पार्क जो है दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है याद रखना है नेक्स्ट दोस्तों मृतक घाटी जानी जाती है इसकी तो याद रखना है दोस्तों मृतक घाटी जो जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान जो है दोस्तों छप्पन दशमलव सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है इसे अत्यधिक उष्णता के लिए क्या किया जाता है दोस्तों तो जाना जाता है इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल वायु के तापमान की दृष्टि से माना जाता है दोस्तों याद रखना है नेक्स्ट दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है तो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों तो यह कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है दोस्तों डेथ वैली नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंज घाटी अवस्थित है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि पंज शीड घाटी कहाँ पर अवस्थित है तो यह जो है दोस्तों अफगानिस्तान में अवस्थित है पंजशीर घाटी तो दोस्तों पंज शीर घाटी उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है इस घाटी से होकर पंजशिर नदी गुजरती है तो यह भी याद रखना है कि इस घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों तो पंजशीर नदी गुजरती है नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सिलिकन वैली अवस्थित है तो याद रखना है दोस्तों सिलिकन वैली जो है वो कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी तो दोस्तों सिलिकन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर अवस्थित है याद रखना है इसे वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों तो सिलिकन जो वैली है दोस्तों वह किसके उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो कंप्यूटर चिप यहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों यानी कंप्यूटर चिप का उत्पादन यहाँ पर होता है पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है दोस्तों टेलर घाटी अवस्थित है तो टेलर घाटी जो है दोस्तों अंटार्टिका में अवस्थित है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है तो ध्यान रखना है कि टेलर घाटी जो है दोस्तों अंटार्टिका में अवस्थित है तो दोस्तों अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फॉलकॉन स्कॉट ने की थी उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ डेट का नाम दिया था दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों ग्रेट ऑरि ऑर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है तो याद रखना है दोस्तों ग्रेट ऑरिटीजन बेसिन बेसिन जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी होगा यानी ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों ग्रेट आर्टी जन बेसिन जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की वृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से क्या है दोस्तों एक है नेक्स्ट है दोस्तों वृहत बेसिन यानी ग्रेट बेसिन अवस्थित है तो यह जो है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है तो यह यूएसए में अवस्थित है दोस्तों ग्रेट बेसिन याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों तो दोस्तों ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियाड़ा नेवेदा के बीच अवस्थित है याद रखना है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि यह जो ग्रेट बेसिन है दोस्तों किसके किसके बीच अवस्थित है किन दो श्रेणियों के बीच तो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियाड़ा नेवे नेवादा के बीच अवस्थित है दोस्तों ग्रेट बेसिन नेक्स्ट है दोस्तों राजाओं की घाटी अवस्थित है तो दोस्तों याद रखना राजाओं की जो घाटी अवस्थित है दोस्तों वह मिस्र में अवस्थित है राजाओं की घाटी <सभीण क्याएं> तो दोस्तों राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंग या वादी अल मुलुक मिस्र में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है तो यह भी याद रखना है कि यह नील नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है दोस्तों राजाओं की घाटी दोस्तों अंधी घाटी पाई जाती है तो दोस्तों याद रखना है अंधी घाटी जो है वह कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों अंधी घाटियां तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कास्ट प्रदेशों में तो दोस्तों कास्ट प्रदेश में जब नदी एक छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर यानी क्या है दोस्तों सिंह सिंह के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलियन छिद्र पर हो जाता है इस घाटी को अंधी घाटी क्या कहा जाता है दोस्तों तो अंधी घाटी कहा जाता है नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अस्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी अथलाकृति कास्ट मैदान में पाई जाती है और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों तो याद रखना है दोस्तों कौन सी अस्थलाकृति जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती है तो सिंक होल जो है दोस्तों वह कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है असला कृति है दोस्तों सिंह जो कि कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन इस डिस्कशन में हम लोगों ने चट्टानों से रिलेटेड जो सवाल दिए गए थे दोस्तों उनको हम लोगों ने सॉरी घाटियों से रिलेटेड जो सवाल दिए गए थे दोस्तों